जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। देखिए, वी लुकअप के बारे में बात करें तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे ये डेटा मैंने यहाँ पे बनाया है, स्टूडेंट मार्कशीट का डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले मार्कशीट में आपको निकालना बता दिया, ओबीटी मार्क कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिविजन कैसे निकालते हैं, इसके साथ ही साथ मार्क वगैरह हम कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है, जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए कि केवल स्टूडेंट का रोल नंबर आपको पता हो और उसके आधार पे आपको ये पता करना हो कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उस स्टूडेंट का प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर क्या है, ओबीटी मार्क क्या है, केवल आईडी के माध्यम से, केवल रोल नंबर के माध्यम से, तो इसको निकालने के लिए हमको वी लुकअप फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये जो डेटा आपका बना हुआ है, ये डेटा आपका कॉलम के रूप में बना हुआ है। तो अगर हमको आपको रिजल्ट निकालना हो, तो जैसे कि यहाँ पे एक रोल नंबर को सबसे पहले यहाँ से कॉपी करके और एक दूसरे लोकेशन पे हम पेस्ट करेंगे और उसी के आधार पे हम ये जांच करेंगे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर क्या है, ये पूरा डिटेल हम निकालेंगे, वो भी केवल वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से आप एक डेटाबेस बना लीजिए और बनाने के बाद यहाँ पे एक सिंगल रोल नंबर आप यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि ये आपको जांच करना है कि ABC2001 करके जो नाम दिया है, मतलब ये जो रोल नंबर आपका दिया है, उस स्टूडेंट का नाम क्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। नीचे कॉमा करने के बाद इसके बाद से पूरे टेबल को एक बार हम पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम नीचे यहाँ से कॉमा करेंगे। अब चूंकि निकालना है हमको क्या, स्टूडेंट नेम हमको निकालना है, तो स्टूडेंट नेम कौन से नंबर के कॉलम में है, दो नंबर के कॉलम में है ना, तो कॉमा करके टू और कॉमा करके एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम जीरो यहां पे लिख लेंगे, देखिए, और ब्रेकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया? अब ऐसे ही आपको ये पता करना हो कि ये जो ABC001 का स्टूडेंट है, इनका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, तो यहाँ पे नंबर कितना दिया है, 56 दिया है। लेकिन इसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है आपको वी लुकअप और सबसे पहले यहाँ पे आपको आईडी को सिलेक्शन करना होगा, रोल नंबर को, और नीचे कॉमा करना होगा। अब इसके बाद से नीचे कॉमा करने के बाद इस पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब हमको निकालना है हिंदी सब्जेक्ट का नंबर, जो कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, तो 3 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और यहां से को ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करते। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ज्ञात कर लिया तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा आ जाएगा, पूरा नहीं आता है। क्यों पूरा नहीं आता है, क्योंकि ये जो डेटा आपका बना हुआ है, ये रो के रूप में आपका डेटा बना हुआ है और रिजल्ट आप ले रहे हैं किसमें, कॉलम के रूप में। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से सारा ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमको इंग्लिश का नंबर निकालना है, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप और सबसे पहले यहाँ पे आईडी को सिलेक्शन करेंगे, रोल नंबर को, और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऑप्शन आपका छूटे ना, और यहाँ पे पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से आपको लेना है क्या, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर, जो कितने कॉलम में है, तो यहाँ पे रखेंगे 4,0 और ब्रेकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट का नंबर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर आपको मैथ का सब्जेक्ट का चाहिए, सेम कंडीशन, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप और यहाँ पे सबसे पहले हम रोल नंबर को ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद पुनः हम नीचे यहाँ से कॉमा करेंगे। अब बताइए, मैथ नंबर जानना है तो कितने नंबर पे है, तो यहाँ पे 5,0 हो जाएगा और यहाँ से हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, देखिए हो जाएगा। तो ऐसे पूरा आप निकाल लीजिएगा वन बाय वन करके, जो भी ऑप्शन आपका दिए।
और ऐसे ही इसी के आधार पे मैंने एक और डेटा बनाया। देखिए ये इम्प्लाई सैलरी सीट के नाम से मैंने बनाया। देखिए जैसे कि इम्प्लाई कोड मैंने लिखा हुआ है, इम्प्लाई का नाम मैंने मेंशन किया है, और जनवरी महीने में सैलरी, फरवरी महीने में सैलरी, मार्च महीने में सैलरी, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त है, और यहाँ पे टोटल सैलरी मैंने जोड़ करके लिखा हुआ है। तो अगर मान के चलिए कि अगर हमको आपको निकालना हो कि जैसे कि इम्प्लाई 001 का जो नाम, मतलब इम्प्लाई का नाम है वो क्या है, तो सेम कंडीशन जैसे फार्मूला उसमें भी लगेगा। जिस तरीके से आपने वी लुकअप इसमें यूज किया है वैसे ही वी लुकअप आपका इसमें भी प्रयोग हो। बस सिंपल तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे जो है एक यहाँ पे हम इम्प्लाई आईडी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर के हम कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आपको निकालना है कि इम्प्लाई का नाम क्या है। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, फिर यहाँ पे सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद पूरे टेबल को मैं एक साथ सिलेक्शन करेंगे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से चूंकि आपको इम्प्लाई नेम निकालना है तो कितने नंबर पे है, तो 2.0 और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा। तो आज की क्लास में ही फार्मूला आपको सीखना था। कोई दिक्कत किसी को, तो चलिए फार्मूला लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ।